अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं क्रीमी बेक्ड पास्ता, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पास्ता लिया है, 1 कप चिकन का कीमा लिया है, 1/2 कप प्याज लिए हैं, इसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है, 1/2 कप शिमला मिर्च ली है, इसको भी इस तरह क्यूब्स में काट लिया है, 1 बड़ी हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ली है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पास्ता को बॉईल करना है, तो चलिए पास्ता को बॉईल करते हैं। तो व्यूअर्स, पास्ता को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे हसब ज़रूरत पानी लिया है। इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून नमक और इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। पानी में उबाल आ रहा है तो इंतज़ार करते हैं, एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे पास्ता। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पास्ता। चम्मच से इसको हिला लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे पास्ता जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो चलिए अब हम इसको छान लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास टैप वाटर है, टैप वाटर से इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, इससे ये चिपकती नहीं है आपस में। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून ऑयल है, तो ये ऑयल मैंने इसके ऊपर डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीमी बेक्ड पास्ता के लिए हमें चिकन रेडी करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे, इसमें शामिल करेंगे लहसुन चॉप किया हुआ, सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। तो व्यूअर्स, लहसुन और ज़ीरा को मैंने थोड़ा सा अच्छे से सौते कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन का कीमा। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से जो है वो कलर चेंज कर चुकी है अपना। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च। अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें चॉप की हुई, लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पास्ता, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पास्ता को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको अब हम साइड पे रखते हैं और वाइट सॉस अपनी रेडी करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमें रेडी करनी है क्रीमी वाइट सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है, 1/4 कप मोज़रेला चीज़ ली है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून मक्खन लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। तो चलिए अब हम क्रीमी वाइट सॉस रेडी करते हैं। तो व्यूअर्स, क्रीमी वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है, इसमें मैं शामिल कर दूँगी मक्खन, इसको मेल्ट कर लेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे मैदा है, ये मैदा भी शामिल कर देंगे इसी में। मक्खन में हम मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे दूध और इसको हम अच्छे से फेंटते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और नमक इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स आप देखिए इसका लुक, क्रीमी वाइट सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं और फिर चलते हैं अपनी असेंबलिंग की तरफ। तो व्यूअर्स आप देखिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी बेक्ड पास्ता बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी बेक्ड पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने कहा। Say